टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। जो भी हमारी जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, जितनी भी हमारी फ्लोरा एंड फौना है, उसको हमने कैसे कंजर्व करके रखना है, ठीक है, कैसे, या फिर कैसे जो आज की डेट में बहुत सारा लॉस हो रहा है ड्यू टू मैनी रीजंस, पोचिंग की वजह से, उनके हैबिटेट की वजह से, ठीक है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या है बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, तो हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं उनको, बहुत सारे मतलब जो हंटिंग है, हंट कर रहे हैं उसको हम रोक के, ठीक है, पोचिंग को रोक के, जो फॉरेस्ट कट कर रहे हैं उसको रोक के, ठीक है, तो आपको पता ही है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो जेनेटिक के कारण, उनके कमर्शियलाइजेशन के कारण, उनकी मेडिकल, एस्थेटिक, इकोलॉजिकल, मतलब हर देखा जाए तो हमें उनकी मतलब बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी की ज़रूरत है, ठीक है, तो हमें इन रीजंस के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, हमारी ज़रूरत के लिए बायोडाइवर्सिटी को सेव करना, प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि वाइल्ड लाइफ जितनी भी है इट्स जस्ट गेम टू बी हंटेड, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, शिकार के लिए नहीं है, जितने भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जितने हमारे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो शिकार करने के लिए नहीं है, वो एक नेचर का गिफ्ट है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है, नेचर ने हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया है हमें नर्चर करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, तो हमारा उसको संभाल के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना भी हमारा ही मतलब एम है, ठीक है, होना चाहिए सभी का। तो बहुत सारे जो मेजर्स हैं वो आज की डेट में मतलब लिए जा रहे हैं ताकि जितनी भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ, उसको क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बेसिकली इसमें दो अप्रोचेज हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। फर्स्ट इज इन सीटू, फर्स्ट इज इन सीटू कंजर्वेशन। सो वट इज इन सीटू, इन सीटू मीन्स विद इन हैबिटेट, वो जिस जगह पे है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, उसको उसी जगह पे रिजर्व करके रखना, उसी जगह पे उसको कंजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, उसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, मीन्स विद इन हैबिटेट, उसके सेम हैबिटेट में जहाँ वो ग्रो हो रहा है, जहाँ उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, तो बेसिकली उसी उसके नेचुरल हैबिटेट में, नेचर में उसको क्या करके रखना, स्टोर करके रखना, या फिर बोल सकते हो कंजर्व करके रखना, उसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। अब इन सीटू में कौन कौन सी मतलब कौन कौन सा उनका हैबिटेट हो सकता है, उनका बायोस्फीयर, ठीक है, जिस बायोस्फीयर में उनको लगाया गया है, चाहे वो कोई फॉरेस्ट एरिया है, चाहे कोई वो पार्क है, ठीक है, तो वो क्या है उनका नेचुरल हैबिटेट। तो इन सीटू का मतलब यही है कि उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको क्या करना, कंजर्व करके रखना। तो इसमें आपकी नेशनल पार्क्स आ जाएंगी, ठीक है, जितनी भी आपकी नेशनल पार्क्स है, ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट एरियाज है, फॉरेस्ट रिजर्व्स बोल सकते हो आप, नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, दीज ऑल आर द नेचुरल हैबिटेट, यहाँ पे हम क्या है फ्लोरा एंड फौना को रिजर्व करके रख सकते हैं, क्लियर इन सीटू। एंड सेकेंड इज द एक्स सीटू, सेकेंड इज एक्स सीटू। सो एक्स सीटू इज आउटसाइड द हैबिटेट, एक तो हो गया कि उनका नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट में ही हमने उनको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना। सो एक्स सीटू है कि उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे उनके जीन बैंक्स हो गए, ठीक है, जीन बैंक्स में जो हमारी वाइल्ड स्पीशीज हैं, जो हमारी आज की डेट में रेयर स्पीशीज हैं या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनके जीन्स को जीन बैंक्स में स्टोर करके, प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसी तरह से अगर प्लांट्स की बात की जाए तो उनके सीड्स को, जो आज की डेट में बहुत रेयर मिल रहे हैं, वैरायटीज़ बहुत रेयर मिल रही हैं, ठीक है, तो उनको जीन बैंक्स में स्टोर करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, जूस में, ठीक है,
बहुत सारे यूज हैं जहाँ पे आपको ऐसी ऐसी स्पीशीज देखने को मिलेगी जो कि आज की डेट में एक्सटेंट हो चुकी है या काफ़ी ज़्यादा एंडेंजर्ड और द रेयर स्पीशीज है, ठीक है। और इसी तरह से बोटैनिकल गार्डन्स, बोटैनिकल गार्डन्स में कल्चर कलेक्शन, तो एक्स सीटू बेसिकली जो हम आउटसाइड देयर इन्वायरमेंट, आउटसाइड देयर हैबिटेट, उनके नेचुरल जो उनका हैबिटेट है उसको छोड़ के किसी बैंक में, ठीक है, या फिर सीड बैंक हो सकती है, वो जीन बैंक हो सकते हैं, बोटैनिकल गार्डन्स हो सकते हैं, तो उनको वहाँ पे उनकी स्पीशीज को, उन प्लांट्स को, फ्लोरा को, फोना को स्टोर करके रखना, सेव करके रखना, उसको हम बोलते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि इन सीटू कंजर्वेशन में कौन कौन सी, मतलब कौन कौन सी हैबिटेट्स अवेलेबल है कि हम यहाँ पे नेचुरली जो अपने स्पीशीज़ हैं, फ्लोरा फोना स्पीशीज़ हैं, हम उनको स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेसिकली 18 बायोस्फीयर्स, 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर्स हैं, ठीक है, बायोस्फीयर्स 18, और नेशनल पार्क्स 103 टोटल नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, और 536 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारी कंट्री में, जहाँ पे हमारी जो फ्लोरा फोना है उसको क्या किया जा रहा है, कंजर्व करके रखा है, और उसको लॉज के ज़रिए, जो भी इनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉज बने हैं उनके ज़रिए इनको प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है, ठीक है। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स में मतलब कौन कौन सी, आप बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं इकोसिस्टम में, बहुत सारी जो मतलब स्पीशीज़ हैं उनको आप लॉन्ग टर्म तक कंजर्व करके रख सकते हो, ठीक है। और इंडिया में कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, सबसे पहले तो है नंदा देवी, ये यूपी में है, नंदा देवी इट इज़ इन यूपी, एंड नोकरेक इट इज इन मेघालय, ठीक है। ये सारे बायोस्फीयर्स हैं इंडिया में जहाँ पे नेचुरली मतलब जो आपकी स्पीशीज है, फ्लोरा फोना स्पीशीज है, उनको कंजर्व किया जा रहा है, कंजर्व करके रखा जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हैं आपके मानस है असम में, ठीक है, असम में, और उसके बाद है आपके सुंदरबंस के बारे में तो आपको पता ही होगा, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, इसी तरह से गुल्फ ऑफ मेनार तमिलनाडु में है, नीलगिरी कर्नाटका में भी है, केरला में भी है, तमिलनाडु में भी है, इसी तरह से ग्रेट निकोबार्स एंड सिमिलीपाल ये उड़ीसा में, ये सारे क्या है, बायोस्फीयर्स हैं। अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, दीज ऑल आर द बायोस्फीयर्स, ये क्या है, इन सीटू जहाँ पे हमने क्या है अपने उनके नेचुरल हैबिटेट में स्पीशीज को कंजर्व करके रखा है, ठीक है। तो इसी तरह से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो वहाँ पे दो नेशनल पार्क्स है, एक है बंदीपुर, एक है नागरहोल नेशनल पार्क, जहाँ पे क्या है जो आपकी स्पीशीज़ है उनको कंजर्व किया जा रहा है। इसी तरह से नेशनल पार्क क्या होती है, व्हाट इज़ अ नेशनल पार्क, सो नेशनल पार्क कोई एरिया हो रहा है, ठीक है, नेशनल पार्क इज एन एरिया दैट इज डेडिकेटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ अलोंग विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। ऐसे ही होता है कि जो नेशनल पार्क है वो कोई भी एरिया होता है, यहाँ पे नेचुरल वे में, नेचुरल इन्वायरमेंट में वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को कंजर्व करके रखा जा रहा है, मतलब कि वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, उनको प्रॉपर वहाँ पे जो इन्वायरमेंट चाहिए, जो उनको मतलब आप बोल सकते हो जो उनकी फूड की रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली वहाँ से ही पूरी हो रही है, तो दैट इज़ द एरिया जहाँ पे हम क्या करके रखते हैं अपनी जो भी स्पीशीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं, उनको उन्हीं के इन्वायरमेंट में कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। अब पता ही आपको, हम सारे लोग नेशनल पार्क में इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है, इट दैट एरिया इज़ आल्सो फॉर द इंजॉयमेंट के लिए भी होता है टूरिज़्म के थ्रू, ठीक है, टूरिज़्म के थ्रू हम वहाँ पे इंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन विदाउट एम्पेयरिंग द इन्वायरमेंट, मतलब आपने इन्वायरमेंट के साथ किसी भी तरह की वहाँ पे छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है, किसी भी तरह से उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, जैसे कि ग्रेजिंग है डोमेस्टिक एनिमल्स की,
जितने भी प्राइवेट राइट्स हैं, फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ हैं, वो नेशनल पार्क्स में उनकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप किसी भी तरह की ऐसी, मतलब जहाँ आप बोल सकते हो कि हंटिंग वगैरह या कोई शूटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो आप नेशनल पार्क्स में। तो सारे जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोहिबिटेड होते हैं नेशनल पार्क्स में। सो नेशनल पार्क्स का जस्ट बेसिकली एक ही एम होता है कि जो भी उनकी जो पार्टिकुलर स्पीशीज हैं वाइल्ड लाइफ की, उनको अलोंग द मतलब लॉन्ग लाइफ तक उनको क्या करके रखना, वहाँ पे संभाल के रखना, कंजर्व करके रखना। तो बहुत सारी मेजर नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। और मैं, ये आपका होमवर्क है, जितनी भी हमारी कंट्री में नेशनल पार्क्स हैं उनकी आप कल लिस्ट बना के लेके आओगे, वो आप मेरे साथ डिस्कस करोगे, क्लियर। सो नेक्स्ट इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी एक प्रोटेक्टेड एरिया ही होता है जहाँ पे किलिंग करना, मतलब जितने भी वाइल्ड स्पीशीज हैं उनको मारना, उनकी हंटिंग करना, उनको शूट करना और एज वेल एज उनको कैप्चर करना। हम पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट करते हैं ना, क्लिक करते हैं जब कहीं, मतलब किसी, मतलब कहीं पे भी टूरिज्म के जरिए हम घूमने के लिए जाते हैं, तो हर चीज़ वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होती है, प्रोहिबिटेड होती है। और वो क्या है, उसको एक हाईएस्ट अथॉरिटी, सारा उसका हाईएस्ट अथॉरिटी का कंट्रोल होता है, सारा वो उसको कंट्रोल करती है ताकि कोई भी ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे ना हो, ठीक है। तो जितने भी प्राइवेट ऑनरशिप राइट्स हैं, ठीक है, या फिर जितने भी फॉरेस्ट्री के ऑपरेशंस हैं वो वहाँ पे परमिटेड होते हैं, उनको परमिशन होती है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक, ठीक है, कुछ एक्सटेंट तक, ताकि वो जितनी भी हमारी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है या वाइल्ड लाइफ है उसको किसी भी तरह से नेगेटिवली इफेक्ट ना कर पाए, क्लियर। तो इसी तरह से हमारी प्लांट्स के लिए भी जीन सेंचुरी है। सिट्रस के लिए, सिट्रस बेसिकली बिलोंग्स टू द लेमन फैमिली, प्लांट्स में आता है आपका सिट्रस, इट बेसिकली बिलोंग्स टू लेमन फैमिली। इसमें आपके लेमन्स आ जाएंगे, लाइम आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, स्वीट ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है, मैंड्रीन आ जाएगा। तो ये सारे जो सिट्रस है वो क्या है, लेमन फैमिली को बिलोंग करती है। और जहाँ पे मतलब प्लांट्स के लिए भी जीन सेंचुरी बनाई गई है, इसी तरह से मैंने आपके साथ जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था पिक्चर प्लांट के बारे में, तो पिक्चर प्लांट के लिए भी जीन सेंचुरी है। पिक्चर प्लांट बेसिकली ये क्या करता है, जितने हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं उनको ईट करता है, ठीक है। पिक्चर प्लांट इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनकी क्या है, जीन सेंचुरी है, जहाँ पे बेसिकली इनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करके रखा गया है। इसी तरह से बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए बनाई गई है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे कंट्री में, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। वहाँ क्या काम चल रहा है, क्या मिशन है उस प्रोजेक्ट का, जस्ट टू कंजर्व द वाइट टाइगर, ठीक है, जो कि आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, रेयर है, एंडेंजर है, ठीक है। इसी तरह से गिर लायन प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी यही है कि जितनी लायंस की स्पीशीज हैं उनको क्या करके रखना, कंजर्व करके रखना। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, एलिफेंट, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, तो ये क्या है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी हमारी कंट्री में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ, क्लियर। सो नेक्स्ट इज अबाउट द एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू कंजर्वेशन के बारे में जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि ये होती है आउटसाइड देयर हैबिटेट, नॉट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वहाँ पे हम एक्सीटू में क्या करते हैं कि जीन बैंक्स में, ठीक है, और वहाँ पे सीड बैंक्स में, बोटैनिकल गार्डन्स में, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कल्चर कलेक्शंस करके क्या रखते हैं, जितने भी जीन्स होते हैं उनके टिश्यूज़ होते हैं, लाइव टिश्यू, लिविंग टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स के, उनको हम क्या करते मतलब जीन्स, जीन बैंक में या फिर हमारी जो सीड बैंक है वहाँ पे कंजर्व करके रखते हैं, ताकि आने वाले टाइम में अगर वो कहीं पे स्पीशीज रेयर हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं तो हम वहाँ से उनको फर्दर क्या कर सकें, मल्टीप्लाई करवा सकें,
क्लियर। तो बेसिकली एक्सीटू कंजर्वेशन बेसिकली क्रॉप वराइटीज के लिए की जाती है, वाइल्ड क्रॉप जो वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं क्रॉप से, ठीक है। अब जैसे हमारी पैडी की क्रॉप बनी है, ये किसी वाइल्ड रिलेटिव से इसका क्रॉस हुआ तभी ये बनी है, ठीक है। इसी तरह से हर क्रॉप स्पीशीज को ऐसे ही बनाया गया है, तो इनके जो वाइल्ड रिलेटिव्स है उनको संभाल के रखना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। अगर वो ही अलोप हो जाएंगे, वो ही ख़त्म हो जाएंगे, तो हम फर्दर आने वाली जो इनकी जनरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जितनी भी लोकल वैरायटीज़ हैं, ठीक है, उनके जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उनको कंजर्व करके रखना मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसीलिए जितनी भी एक्स सीतु कंजर्वेशन है ये जस्ट किसके लिए की जा रही है, उनको स्टोर करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम क्या है उनका यूज़ करके, उनके जीन्स को यूज़ करके, उनके टिश्यूज़ को यूज़ करके हम क्रॉप में इम्प्रूवमेंट ला सकें और जितने भी हमारे एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स हैं उनको प्रमोट कर सकें। और ये होगा कैसे, थ्रू द जीन बैंक एंड द थ्रू द सीड बैंक फैसिलिटीज। सो हमारे पास जैसे कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, शॉर्ट फॉर्म है इसकी NBG, ये बहुत बार आपको शॉर्ट क्वेश्चन मतलब शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इसको आ सकती है डेफिनेशन, NBPGR, ठीक है, दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। मतलब कि ये बेसिकली है आपकी न्यू दिल्ली में, इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जितनी भी एग्रीकल्चर की और हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं जहाँ उनके वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उनको कंजर्व करके रखा हुआ है, उनकी क्रायो प्रिजर्वेशन की हुई है, क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करके, ठीक है, मतलब आप कूल टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा गया है, ठीक है। NBPGR, दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इट इज़ इन न्यू दिल्ली। और यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जितने भी एग्रीकल्चर की और हॉर्टिकल्चरल की क्रॉप्स हैं और उनके जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उनको क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू क्या करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा गया है, कंजर्व करके रखे जाने का काम हो रहा है, ठीक है। और किस 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 को मतलब स्टोर करके रख रहे हैं, कंजर्व करके रख रहे हैं, सीड्स को, जितने भी वाइल्ड क्रॉप्स के वाइल्ड रिलेटिव्स हैं जो लोकल स्पीशीज़ हैं उनके सीड्स को, पोलन्स को, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करके, ठीक है, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जितना लो हो सके, लो टेम्परेचर पे उनको क्या किया जा रहा है, स्टोर करके रखा जा रहा है। इसी तरह से राइस की वैरायटी, स्पीयरमिंट की, ब्रैसिका में आपकी राई वगैरह आ जाएगी, ठीक है, आपकी सरसों आ जाएगी, रेडिश, टर्निप, मतलब बहुत सारी जो मतलब वेजिटेबल्स की एज वेल एज जो फ्रूट क्रॉप्स हैं या फिर आपकी फूड क्रॉप्स हैं उनकी जितने भी पोलन्स हैं, सीड्स हैं, उनको स्टोर करके रखा गया है। सो नेक्स्ट इज एक्सीटू में नेक्स्ट है आपकी NBAGR, दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो यहाँ पे एनिमल्स के जो जीन्स हैं, डोमेस्टिक जो आप डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या फिर उनके जो जीन्स हैं, उनके जो सीमेंस हैं, उनको यहाँ पे कंजर्व करके रखा गया है ताकि हम फ्यूचर में उसका यूज़ करके फर्दर स्पीशीज़ को मल्टीप्लाई कर सकें। तो बेसिकली इट इज़ लोकेटेड एट करनाल हरियाणा, ठीक है, करनाल हरियाणा में NBAGR है और यहाँ पे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं बेसिकली उनके सेमन को स्टोर करके रखते हैं। सो नेक्स्ट इज थर्ड वन इज नेशनल फैसिलिटी फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर रिपोस्ट्री, दैट इज NFPTCR, नेशनल फैसिलिटी फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर रिपोस्ट्री। तो वहाँ यहाँ पे बेसिकली जितने भी क्रॉप्स हैं, जितनी भी प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं या ट्रीज़ की स्पीशीज़ हैं उनको टिश्यू कल्चर के ज़रिए क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रखा जा रहा है, कंजर्व करके रखा जा रहा है। और ये जो फैसिलिटी है ये NBG जो PGR मैंने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में आपके साथ डिस्कस किया उसके साथ मिलके ये सारा काम हो रहा है, ठीक है।
टोटल जो हमारी G15 कंट्रीज हैं वो एक प्रॉपर नेटवर्क सेटअप कर रही हैं जीन बैंक्स को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि वहाँ पे बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, वेरियस वेराइटीज़ हैं उसमें, आपके एरोमेटिक प्लांट्स भी आ जाएंगे, मेडिसिनल प्लांट्स भी आ जाएंगे, तो उनको पूरा कोऑर्डिनेट किया जाए और उनको कंजर्व करने का काम किया जाए।